दोस्तों, गर्मियों का समय है और पिछले 60 डेज से कोई भी किसी भी तरह की कोई बारिश नहीं हुई है। हालांकि थोड़ी सी बूंदाबांदी जरूर हुई थी 2-3 मिनट की, मगर जो जिस पानी की आवश्यकता इस वक्त हमारे जमीन के लिए है, जो नेचुरल वाटर जो इस वक्त पौधों को चाहिए, उस तरह की कोई भी बारिश जो है अभी तक नहीं हुई है। पिछले 22 फरवरी से लेके आज तक, यानी आज जो है 22 अप्रैल का दिन है, तो 22 अप्रैल के दिन तक कोई भी किसी भी तरह की जो है बारिश अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पे हमने ड्रिप एरिगेशन के माध्यम से भी मॉइस्चर बनाने की कोशिश की है, मगर नेचुरल वाटर ही होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक ऐसे कीट की जो कि आपके बगीचे में बहुत ही धीरे धीरे जो है अपने जो उनके क्रिया है, जो वो काम करते हैं, जो जो आपके फ्रूट के ऊपर, जो आपके पेड़ के ऊपर, जो आपके पत्तियों के अंदर जो भी सैप का फ्लो होता है, ये उस जूस को, ये आपके फ्रूट के ऊपर जो जूस है, उस जूस को ये बिल्कुल धीरे धीरे चूस लेता है। और ये कीट जो है, ये बहुत ही छोटा सा कीट होता है, बिल्कुल माइक्रो कीट होता है, ये बहुत छोटा कीट होता है। और ये जो कीट है, ये स्केल के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल के लिए अगर आप वॉलनट स्टेज पे भी अगर आपके फ्रूट के ऊपर किसी भी तरह की स्केल की प्रॉब्लम नजर आती है, तो आपको फटाफट एक मिनरल ऑयल, जो आपका हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल है, उसकी स्प्रे आपको अपने बगीचे में जरूर कर लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी बागवान भाई नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, उनको अग्नि अस्त्र यानी कड़वापन, आपको अपने पौधे के ऊपर इस वक्त जो है एक कड़वापन, एक ऐसी लेयर कड़वापन की देनी है, ताकि कोई भी कीट आपके जो भी रस चूस रहे हैं वो वहां से हट जाए और आपका जो फ्रूट है वो एक अच्छी क्वालिटी का फ्रूट बन सके। इसकी जो स्किन होती है बिल्कुल अजीब सी आपको नजर आएगी, दाने दाने से नजर आएंगे, कुछ डार्क जैसे स्पॉट नजर आएंगे, कुछ ऐसी स्किन नजर आएगी आपको कि उसके ऊपर जो है बिल्कुल छोटे छोटे दाग नजर आते हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं होती है आपकी स्किन जो भी एप्पल की स्किन होती है। इस स्थिति में जब ये स्केल की प्रॉब्लम आपके पेड़ पे होती है, तो ये जो पेड़ है ये आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके रखना है। इसके ऊपर किसी भी तरह का आप टैग लगा दें, दूर से टैग लगा दें, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये फ्रूट किसी भी काम के नहीं है। आपको भी ये जो फ्रूट है बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और इसको जो सेल आउट करना है ये भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपने ऐसे जितने भी फ्रूट है इनको बिल्कुल वहाँ यहाँ पे रिमूव कर देना है, या आपने बिल्कुल भी ऐसे फ्रूट अपने पौधे के ऊपर नहीं रखने हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल वॉलनट स्टेज पे फ्रूट है इस वक्त, और इसके ऊपर ये जो दाग नजर आपको आ रहे हैं, ये दो दाग नजर आ रहे हैं, अगर ऐसे दाग आपको अपने बगीचे में कहीं भी किसी भी पेड़ के ऊपर नजर आते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके बगीचे में जो है स्केल की प्रॉब्लम हो चुकी। जितने भी इन्फेक्टेड आपको अपने बगीचे में ऐसे फ्रूट नजर आते हैं जिसके ऊपर आपको डॉट नजर आता है, जो कि स्केल के डंक मारने से वहां पे जो निशान बना है, आप ऐसे फ्रूट्स को अपने बगीचे से बिल्कुल रिमूव कर दें। और जो भी सैप का फ्लो है, जो भी पोषक तत्व आपने पौधे को दिए हैं या आप पॉइलर स्प्रे से करते हो, वो बाकी जो फ्रूट हैं उनको समय पर मिल सके। दोस्तों, ये इंसेक्ट आपके जो इस वर्ष की जो प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल नष्ट कर सकता है, और साथ साथ पे जो आपका पौधा है वो भी आपका बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। और ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है कि आपको जो है वो पौधा जड़ से उखाड़ कर कहीं दूर जाकर फेंकना पड़े। जिन बागवान भाइयों ने फूल खिलने से पहले जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में या फरवरी महीने में हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल की स्प्रे नहीं की थी अपने बगीचे में, वहां पर इन दिनों पे यानी आज 20-22 अप्रैल के आसपास जो है आपके बगीचे में जो है अलग अलग प्रजातियों के जो है इंसेक्ट जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, और इनका जो अटैक है वो बहुत फास्ट होता है, जो कि आपकी प्रोडक्शन के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, इस स्थिति में आपको अपने बगीचे में हॉर्टिकल्चर मिलना ऑयल की स्प्रे जरूर करनी चाहिए, और
अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको अपने बगीचे में नीमास्त्र या फिर अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपने अपने फ्रूट्स और पत्तियां, जितना भी आपका पेड़ है, उसको पूरे आपने एक इस तरह की लेयर उसके ऊपर, इस तरह की कोई परत उसके ऊपर डालनी है, ताकि वो जो है उसके ऊपर एक कड़वापन महसूस हो। कोई भी इंसेक्ट कड़वा जो है भोजन पसंद नहीं करे। दोस्तों, हम आपको समय समय पे जैसे ही अपने बगीचे में किसी भी तरह की कोई हरकत देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमें नजर आती है, या फिर कोई भी ऐसा मेथड जो भी हमें लगता है कि किसी भी बागवान भाई के काम आ सकता है, और जितनी भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर उसकी आपको सही समय पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस करें, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।